हेलो फ्रेंड्स, फैकल्टी गणेश सोनी। आज के इस वीडियो के अंदर हम वर्चुअल मशीन के लिए किस तरह से ब्रिज लैंड कार्ड क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग NACLI कमांड, उसे देख लेते हैं। नाउ शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहे थे व्हाट इज मीन बाय वर्चुअलाइजेशन और व्हाट इज मीन बाय ब्रिजिंग। देखिए, वैसे देखा जाए ना तो आपको मार्केट के अंदर काफ़ी सारे हाइपरवाइजर्स मिलेंगे। हाइपरवाइजर इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको वर्चुअल मशीन क्रिएट करने में मदद करते हैं। लेकिन जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो तो आपके फिजिकल लैंड कार्ड को वर्चुअल मशीन के लिए सपोर्टेबल बनाया जाता है। तो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आपके लिए ऑटोमेटिकली ब्रिजिंग करवा के देते हैं, लेकिन अगर आपको अपने हिसाब से मैन्युअली ब्रिजिंग करनी पड़े तो किस तरह से करते हैं वो आज हम देखेंगे। तो आज का हमारा टाइटल है ब्रिजिंग क्रिएशन फॉर वर्चुअल मशीन बाय यूजिंग NACLI कनेक्शन। अगेन अंडरलाइन कर लीजिए, ब्रिज का मतलब होता है एक फिजिकल लैंड कार्ड को मल्टीपल लैंड कार्ड में डिवाइड करना ताकि उसे मल्टीपल मैक एड्रेस मिले। हाँ, लैंड कार्ड को जो एड्रेस रहता है डिफॉल्ट वो रहता है फिजिकल एड्रेस, जिसे हम मैक एड्रेस कहते हैं। ओके, तो ब्रिज से हम क्या करेंगे, एक फिजिकल लैंड कार्ड को इस तरह से डिवाइड करेंगे ताकि वर्चुअल मशीन्स के लिए वो अलग अलग मैक एड्रेस की तरह काम करे, रहेगा तो एक ही। तो शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत हम ग्राफिकल भी देख लेते हैं। फिलहाल के पास मेरे पास जो कनेक्शन है वो किसी तरह से कनेक्शन से अवेलेबल नहीं, कनेक्टेड नहीं है। हमने अपना टाइटल तो दे दिया है, अब मुझे यहाँ पे कमांड रन करनी है NACLI डिवाइस स्टेटस, ताकि पता चले कि यहाँ पे कुछ अवेलेबल है नहीं है। फिलहाल यहाँ पे किसी भी तरह का लैंड पोर्ट किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। नंबर वन, हम क्या करेंगे, ब्रिज बनाएंगे जो कि हमारा मास्टर रहेगा। नंबर टू, उस ब्रिज के अंदर हम अपना स्लेव ऐड करेंगे जो उसका क्लाइंट रहने वाला है। और नंबर थ्री, पूरे कनेक्शन को चेकआउट करेंगे बाय यूजिंग BRCTL कमांड। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, NACLI कनेक्शन क्या कर भाई, ऐड कर, क्या ऐड कर, टाइप। फिलहाल यहाँ पे टैप टैप प्रेस कीजिए। टैप टैप प्रेस करने के बाद आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे। मुझे जो इंटरेस्ट है वो है ब्रिज के अंदर जो कि मेरा मास्टर बनने वाला है। सो NACLI कनेक्शन ऐड टाइप ब्रिज, बाद में कॉन नेम। कॉन नेम मतलब कनेक्शन को आप क्या नाम देना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कनेक्शन को नाम मिले BR0। ओके, बाद में आएगा आपका इफ नेम। इन जनरली जब आप अपने लैंड कार्ड को IP एड्रेस असाइन करते हो ना, तो इफ नेम क्या होता है, वो आपके एक्चुअल लैंड पोर्ट का नाम होता है। लेकिन हमारे इस केस में मेरा जो इफ नेम रहेगा वो BR0 ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं फिलहाल ब्रिज मास्टर बना रहा हूँ। बाद में आपको यहाँ पे देना है, टाइप हो गया कॉन नेम, हो गया इफ नेम, हो गया देन यू हैव टू टाइप IPv4 का कोई भी एड्रेस। आप चाहे तो VCS का एड्रेस भी ले सकते हो। फिलहाल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे V4 का एक एड्रेस यहाँ पे असाइन हो जाए। बाद में GW4, जिसका गेटवे अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क 192.168.1.1। व्हेन आई प्रेस एंटर, देखिए पीछे बैकग्राउंड में ग्राफिकल चल ही रहा है तो आपको इमीडिएटली इफेक्ट नज़र आ जाएगा। तो देखिए, ये मेरा BR0 करके कनेक्शन आ चुका है जिसके ऊपर मैंने IPv4 का एक एड्रेस दे हुआ है। आप चाहे तो IPv6 भी दे सकते हो। साथ ही साथ आप मल्टीपल ड्यूअल स्टैक जो भी हमने पिछले वीडियो में देखा था ना, वो सभी के सभी चीज़ें आप BR के साथ कर सकते हो। ओके, नाउ अब तक सिर्फ और सिर्फ मेरा यहाँ पे ब्रिज क्रिएट हुआ है, मतलब मेरा मास्टर बन चुका है। लेकिन उस मास्टर के अंदर कोई भी फिजिकल लैंड पोर्ट मैंने अब तक ज्वाइन नहीं किया। ओके, तो अब क्या करने वाले, हम इस मास्टर के अंदर एक स्लेव ऐड करेंगे। ओके, तो उसके लिए कमांड क्या है, NACLI कनेक्शन ऐड, क्या ऐड करना है, टाइप। पिछली बार हमने यूज़ किया था ब्रिज, हम कहेंगे ब्रिज स्लेव। बाद में आएगा आपका कॉन नेम। कॉन नेम मतलब कनेक्शन को आप क्या नाम देना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं port 1 ये नाम देना चाहता हूँ। बाद में आएगा इफ नेम। अब आएगा आपका एक्चुअल पोर्ट, जो मेरा एक्चुअल लैंड पोर्ट है ना, उसको जो नंबर मशीन ने दिया वो है EN01 4x7 36। तो उसे मैंने चूज़ कर लिया। बाद में यहाँ पे आपको टैप टैप प्रेस करना है। अब मुझे ऐसे कहना है भाई, तेरा मास्टर कौन है, तेरा मास्टर है BR0। तो ये BR0 उसका मास्टर बन चुका। अब क्या होगा, ये मेरा पर्टिकुलर वायरलेस या फिर वायर लैंड कार्ड इस ब्रिज के अंदर जॉइन हो जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे एंटर दिया, यू विल सी मेरा ये लैंड कार्ड कनेक्ट हो चुका है। ओके, अब NACLI डिवाइस स्टेटस करके आप फिर से चेकआउट कर लीजिए। यस, लेकिन यहाँ से आपको क्लियर नहीं पता चल रहा है कि कौन सा पोर्ट कौन से ब्रिज में कनेक्टेड है। मेरे पास फिलहाल एक ही ब्रिज है और एक ही लैंड पोर्ट है, लेकिन हो सकता है कंपनी के अंदर मल्टीपल ब्रिज मल्टीपल लैंड कार्ड हो। तो कौन सा ब्रिज कौन से लैंड पार्ट पे कनेक्टेड है, उसे चेकआउट करने के लिए एक कमांड आपको देखना ज़रूरी है और वो है BRCTL। यहाँ पे शो क्या कर भाई, ये मैंने BR0 नाम का जो मैंने मास्टर बनाया ना, उसका स्टेटस बता।
तो जैसे मैंने यहाँ पे कमांड एंटर की, नाउ आई कम टू नो BR0 ये मेरा मास्टर है जिसको एक ब्रिज आईडी मशीन ने प्रोवाइड किया है। जैसे हमने ब्रिज किया क्या, उसका स्टेटस यस है, स्पैनिंग ट्री और EN0167x4x736 ये मेरा फिजिकल लैंड पोर्ट उसके साथ ज्वाइन हो चुका है। ओके, अब रही बात आईपी की, यहाँ पे आप इफ कॉन्फिग करके चेकआउट कर सकते हो कि हाँ मेरा BR0 पे आईपी एड्रेस आ चुका है। मल्टीपल आईपी देने के लिए आप यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन कीजिए और शो आईपी आडार BR0 ये कमांड रन करके उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से अपने ब्रिज के ऊपर मल्टीपल आईपी हम असाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं हूँ आपका फैकल्टी गणेश सोने। आने वाले वीडियोस के लिए हम ज़रूर मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। स्टिल देन, बाय।